हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो कैसे हो सब? मैं शुक्र करती हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो अभी टाइम हो रहा है 6:08। मैं सुबह 7 बजे से उठ गई थी और देखो ना, रात की बारिश हो रही है, तो अभी तक हमारे यहाँ बारिश ही हो रही है। एकदम से झमाझम सी बारिश हो रही है, बरसात का मौसम आ। ओ माय गॉड, मेरी बेटी की चड्डी सुसु वाली, उसको मैं कहाँ रखूँ? ये स्टूल पर रख देती। सब कैसी हो गई कीचड़ में, यहाँ आते सुसु कर देते और चले जाते। एक वो डली है, बाकी एक ये डला है। सब मम्मी आएंगे डाल के जाएंगे। और नदी में तो यहाँ पे पूरी हरियाली जम गई है, देखो यहाँ से लेके पूरी वहाँ तक पूरी हरियाली जमी हुई है। ये हरियाली कब जाएगी? जब एकदम अच्छा तेज बारिश होगी, बाढ़ जैसा होगा, तो एक ही बार में पूरी बहके नर्मदा में। मस्त लग रहा बारिश। अभी वो बोलते हैं ना डेड्रियम, जो पत्ते डाल के आते हैं फिर पानी लेने आते हैं कि पानी दे दो, घर घर पानी मांगते हैं, वो गए। उसके दूसरे दिन से तो बारिश स्टार्ट हो गई। अभी अम्मोस गई ना, डोट गली अम्मोस बोलते शायद उसको, हाँ डोट गली अम्मोस शायद ऐसा ही कुछ बोलते हैं। वो गई कि उसके दूसरे दिन पानी, क्योंकि पानी मांगते हैं ना कि कब बारिश हो अम्मोस के दिन। अम्मोस के दूसरे दिन से तो हमारे यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई। कितना अच्छा लग रहा है। मम्मी मेरे को बोले अंदर बैठना, ताकि मैं अंदर और बैठ जाऊँ, अंदर स्मेल आती। मम्मी बोले अंदर बैठना, बाहर बारिश हो रही है। अल्लाह देखते हैं। मैं तो आगे मस्त बाहर ठंडे ठंडे मौसम में घूमूंगी। धूप रहती थी तो घूम नहीं पाती थी, आज तो घूमूंगी। बस तो चेयर लगा के इधर ही बैठने का मन कर रहा है मेरा। ओके गाइस, तो फिलहाल मेरे को देखो मस्त छाता लेके बैठी हूँ, क्योंकि अंदर ना और नीचे पोहे भर रहे हैं, तो उसकी भी स्मेल चल रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एग्जॉस्ट चालू कर देते हैं रूम पास में ही, तो बहुत ज़्यादा स्मेल चल रही है। मैंने मम्मी को कॉल किया, मतलब तुम तो मेरे को छाता ला कर दो, मस्त मैं बाहर चेयर पर बैठी रहूँगी, नहीं सोने की यहीं बैठी रहूँगी छाता पकड़ के। तो मम्मी बोले हाँ, मस्त छाते में बैठी, मज़ा आ रहा है बारिश में। ये चेयर कंफर्टेबल है ना, तो मस्त अपन कैसे भी बैठ जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हे गाइस, तो इधर फिलहाल मेरा नाश्ता आ गया है, पोहे और नींबू। चलो नाश्ता करते हैं। हाँ ठीक से बैठू मैं। हे गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है 3, ऊपर से नीचे आई, उसके बाद से मैं सोई ही हूँ। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही है, मैं नहाई भी नहीं। ऊपर से नीचे आई, आने के बाद में शिवाय आए थे, थोड़ी देर उनके पास बैठी हुई, हर चीज़ की स्मेल सर में चढ़ गई। वो खाना खा रहे थे, उसकी स्मेल चढ़ गई। उसके बाद से तो मैंने बोला कि सब जाओ बाबा नहाने में, अब तो कहीं नहाना नहीं है कहीं नहीं। मम्मी बोले नहा ले, भाभी बोले नहा लो अच्छा लगेगा, यहाँ तो बिस्तर से उठने का मन नहीं हो रहा। और पता है मैं ब्लॉग भी शूट कर रही थी, बट मैं यार पहले ही एक दिन ब्लॉग नहीं आया, ब्लॉग नहीं डालूंगी, तो आप सब और मैसेज करोगे कमेंट करोगे दीदी ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। ऊपर से नीचे ही ना, उसके बाद से सोई ही हूँ। अभी बड़ी मुश्किल से मैंने सोचा कि यार ब्लॉग शूट कर लूँ, नहीं तो नहीं हो पाएगा, तो ब्लॉग में क्या डालूँगी मैं। नहाना भी नहीं हुआ, 3 बजे की मैं नींद आई हूँ, सोई हूँ। फ़ैन तो अभी ऑन करा, क्योंकि उधर बाहर चाय बन रही थी तो बंद कर गए थे, जब से बंदी था अभी ऑन करा है, बस बंद करा सोए रहो। आज तो पानी भी नहीं पिला जा रहा, मम्मी ने गिलास में पानी ला के दिया, वैसा वैसा है पानी, मुँह एकदम सा कड़वा कड़वा सा हो गया है। सर आँखें पेट कमर पीठ सब दर्द कर, पूरा मतलब बॉडी पेन सा हो रहा है, क्या बताऊँ।
और ऐसा मन कर रहा है आज तो बस सोए रहो, उठू ही ना। अब 4-5 बजे उठूंगी, मुँह हाथ अच्छा धो के चेंज कर लूँगी, नहाऊंगी नहीं, चेंज कर लूँगी मैं। मौसम ठंडा है तो मुँह हाथ ही धो देती हूँ, नहीं नहाती हूँ। तो और अगर बुखार आने वाला रहेगा ना तो बीमार हो जाऊँगी, ठंडे पानी से नहाऊंगी और गर्म से नहलाएगा, नहीं स्मेल आएगी गर्म के। चलो अभी तो वापस सोती हूँ मैं, फिर उठूँगी 5 बजे, अभी 3 बज रही है, नींद बना लेती जब तक, मिलते हैं बाद में। हे गाइस, तो फिलहाल इधर मेरा खाना आ गया है, देख सकते हो कितना साथ है, थोड़ी सी भिंडी की सब्जी, थोड़ी सी गिल की सब्जी और ये आधी रोटी है, ये खाना है। और देख के ही मेरे को तो स्मेल आ रही है, पंखा वगैरह बंद कर दिया नहीं तो ज़्यादा स्मेल चली गई, सब्जी में से लहसुन की स्मेल आ रही है मेरे को। खाओ यार, सर नहीं बंद हो रहा है, मम्मी बोले खाली पेट है तो सर दुखे गला हो गए, मेरी सेव भी आ गई। चलो खाते हैं खाना। गाइस, तो फिलहाल चेंज कर लिया, मुंह धो लिया, चेंज में सिर्फ टी शर्ट चेंज करी, लोअर नहीं चेंज करी, लोअर अब कभी चेंज कर लूँगी, मुंह धो लिया, अब करी हेयर कॉम, बाल जटाधारी हो चुके हैं मेरे सब। और पता है मेरे बालों में से ना मतलब पूरी शाइन जा चुकी, थोड़ी भी शाइन नहीं बची, देख सकते हो पूरे रफ हो चुके हैं, पूरी तरीके से रफ जो होते हैं ना पूरे रफ हो गए हैं, शाइन इतनी सी भी नहीं है। अब तबीयत ठीक होगी जब स्मूथनिंग वगैरह करवाऊंगी, थोड़ा पोषण मिलेगा बालों को, ऐसे तो नहीं करवाना चाहिए, हेयर फॉल ज़्यादा होता है, पूरे ड्राई हो गए हैं, शाइन चली गई है, तब कुछ तो करवाना पड़ेगा ही। तबीयत ठीक होगी ना तो सबसे पहले अपने हेयर का ही ट्रीटमेंट करवाऊंगी मैं। ग्रोथ अच्छी हो रही है बट अब इतने दिन से ना देखो कुछ केयर नहीं कर पा रही हूँ अपने बालों की, अब तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ मैं, तो दो मुँहे बाल भी बहुत ज़्यादा हो गए देखो, हम किसी सबसे ड्राई ड्राई से फ्रिजी फ्रिजी हो रहे हैं। अगर मैं 10 मिनट बाल ओपन कर लूँ ना देखो ऐसे उलझ जाते, इतने ज़्यादा ड्राई हो गए। और आँखें सर तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, इतने ये और ये तो दुख रहे हैं, अब बस चश्मा लगाना है, क्योंकि मेरे को जब जब कमजोरी आती है ना तो सबसे ज़्यादा मेरी आंखें और सर ही दुखती, और चश्मा लगाती हूँ तो ही बंद होती। प्रिंसी के टाइम पे भी मैंने चश्मा बनवाया था जो कि मैंने कहाँ रखा है कोई याद नहीं होगा, घर पे पड़ा होगा बट वो पुरानी फ्रेम थी, अब थोड़ी अच्छी फ्रेम का हुआ तो शिवाय सब जाके चश्मा बनवाऊंगी। मैं ना जब 9th या 10th में थी तब मेरे को चश्मा लगा था, उसके बाद से मेरे अभी तक चश्मे कितने हो गए, शादी के बाद भी था, फिर मैंने लगाना छोड़ दिया था, साड़ी पे चश्मा अच्छा नहीं लगता ना तो छोड़ दिया था मैंने लगाना, और आंखें अंदर चली जाती है। अद्विक ने विदित को साइकिल से नीचे फेंक दिया, भगाते भगाते ले गया। हे गाइस, तो जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में प्रिंसी की क्लिप डाली थी और इस व्लॉग में भी मैंने प्रिंसी की क्लिप डाली है, तो सब बोल रहे हैं कि दीदी हमको प्रिंसी की भाषा समझ में नहीं आ रही है, वो क्या बोल रही है, बस ऐसा लग रहा है कि वो गाना गा रही है, तो मैं वो क्लिप डबल से इसमें डाल रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि वो क्या बोल रही है।
सो अब आपको समझ आया होगा ना कि प्रिंसी क्या बोलना चाह रही है, उसने उसके बाबू का नाम क्या रखा है। और आप सब सोच रहे होंगे उसके बाबू का नाम हमने सिखाया, नहीं उसके बाबू का नाम हमने नहीं सिखाया है, उसने मन से ही बोला। एक दिन की बात थी, मैं और पार्लर वाली भाभी मतलब हेमा भाभी हम दोनों बैठे थे, जब मेरे को ज़्यादा तबीयत भी नहीं ख़राब थी, हम पहले वहाँ बैठते थे, तो हम बैठे थे उनके घर के पास में। और उसके पार्लर वाली भाभी ने पूछा कि लाडो तेरे घर कौन आएगा, तेरी मम्मा की टम्मी में बाबू है तो बोलती मेरे घर गणेश जी आएंगे। बोले मैंने मेरे बाबू का नाम गणेश जी रखा, उसके मन से उसने बोला। तो हम दोनों सुन के शौक हो गए, बाप रे देखो बच्चे को एकदम से कैसे याद है, जबकि वो ना क्या बोलती थी, ओम नमः शिवाय और ये सब बोलती थी, बट उस दिन उन्होंने पहली बार गणेश जी का नाम उसके मुंह से लिया और आके मेरे को बोलती मम्मा अपने घर गणेश जी आएंगे ना, मैंने कहा हाँ बेटा अपने घर गणपति भी आएंगे ना, मैंने कहा वो ऐसी बोलती है। सो प्लीज़ ये हमने नाम नहीं दिया है, वो उसके मन से बोलती है कि मेरे घर गणेश जी आएंगे। अभी भी आती है ना कभी मेरे पास, मम्मा गणेश जी क्या कर ले छो गए क्या, ऐसे ही बोलती है मेरी टमी पे हाथ रख के। सो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और सॉरी मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं शूट तो किया था बट एडिट करके अपलोड नहीं कर पा रही थी, बस पूरा टाइम सोने सोने में ही जा रहा था मेरा इसलिए, बट कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी। और आप सब बोलते हो, आप सब तो नहीं कुछ लोग बोलते हैं कि नाटक कर रही है, नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे ही करती और करती क्या है, तो मेरे पास और है ही क्या बताने को, जो रहता है मैं बता देती हूँ कि मैं ऊपर आई हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। अब डेली व्लॉगिंग मेरी जैसी है, मेरा यहाँ का रूटीन जैसा है, मैं वही बताती हूँ ना यार आपको। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं कहीं घूमने जाऊँ अब ऐसी कंडीशन में। और रही बात, ये भी बोलते हैं कि खुद अकेली प्रेग्नेंट नहीं है, दूसरे भी प्रेग्नेंट है, तो पता है मेरे को, बट मैं खुद इतने दिन से व्लॉग नहीं दे रही थी, मेरे सब्सक्राइबर बोल रहे थे, मेरी फैमिली बोल रही थी दीदी आप व्लॉग दो, तो ही मैंने व्लॉग देना स्टार्ट करा, नहीं तो मैं व्लॉग नहीं दे रही थी क्योंकि मेरे को पता है मेरी कंडीशन कैसी है। जो धूप आती है ना इससे भी मेरे को प्रॉब्लम होती है, मैं फ़ोन तक नहीं चलाती हूँ, फ़ोन से भी मेरे को ना आँखें दर्द करती, अभी भी मेरी आँखें सी बंद बंद हो रही है, इतनी ज़्यादा दर्द करती, बट क्या करूँ आप सबके लिए ना मैं शूट करती हूँ, टाइम निकालती हूँ, नहीं तो मैं शूट नहीं करूँ, इतना सब टाइम निकालो, नींद आती है फिर भी नींद में आँखें सी जब जब के एडिट करती हूँ और आप सबको व्लॉग देती हूँ, तो मेरा क्या, मैं तो आराम से सो सकती हूँ, रेस्ट करने को बोला है रेस्ट कर सकती हूँ, बट आप सबके लिए मैं इतना कर रही हूँ। और यार कुछ लोग जो है कि नेगेटिव कमेंट करते फिर दिल पे लग जाती है, बाकी मेरे जो सब्सक्राइबर है मेरी फैमिली है उनको थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए मेरी प्रेगनेंसी में, आप मेरे साथ हो और क्या चाहिए, बस यही मेरे लिए बहुत है कि आप मेरे लिए इतनी सारी दुआएँ कर रहे हो कि दीदी आप जल्दी ठीक हो जाओ, बस आपकी दुआएँ रंग लाए, मैं जल्दी ठीक हो जाओ, मैं भगवान से यही प्रे कर रही हूँ। कल ऊपर बैठी थी, मैंने मम्मी को बोला मम्मी कब ठीक होंगी, अगर 3 महीने बाद भी ये उल्टी वगैरह और स्मेल वगैरह नहीं गई तो मैं क्या करूँगी, तो मम्मी बोले क्या करेगी यहीं रहना फिर जब तक नहीं जाएगी तब तक। मम्मी बोले दीदी को तो ना 3 महीने के बाद भी बोले स्मेल आती थी सब्जी वगैरह की, यार भगवान जल्दी से मेरी बस स्मेल वगैरह और ये सब बंद कर देना तो बहुत अच्छा आ रहा है। वोमिटिंग तो अब नहीं हो रही है मेरे को, सच बताओ तो वोमिटिंग नहीं हो रही है, 3-4 दिन हो गए वोमिटिंग नहीं हो रही, बस स्मेल आ रही है और रुक के आ रहे हैं। अब ज़्यादा कुछ स्मेल चढ़ जाती है ना सर पे तो ही वोमिटिंग हो रही है, नहीं तो नहीं हो रही है, नहीं तो मैं झूठ क्यों बोलूँ बेमतलब की क्यों हो ही रही है, घर गई थी तब हुई थी कि स्मेल सब चीज़ की थी तब हुई थी, बाकी ऐसी कुछ नहीं हो रही है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ऐसे ही प्यार सपोर्ट आशीर्वाद देते रहिए हमको, बाय।